आदरणीय महाराजा गज सिंह जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजेंद्र जी गहलोत, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, एयर चीफ मार्शल श्री वी आर चौधरी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, श्री सी वी अनंत कृष्णन सीएमडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस सर्विसेज एचएएल एवं राजस्थान सरकार के सभी सीनियर ऑफिशियल्स, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, आज इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग और प्रचंड प्रहार की क्षमता वाले इस एलसीएच का इंडक्शन हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। अमृतकाल की प्रारंभिक वेला में इस पराक्रमी एलसीएच का इंडक्शन देश की आजादी के शताब्दी वर्ष तक इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्स बनाने में आपके संकल्प को दर्शाता है। साथ ही यह शताब्दी वर्ष तक रक्षा उत्पादन क्षेत्र को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने के आपके संकल्प को भी दिखाता है। इसके लिए मैं इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इस आयोजन से जुड़े समस्त लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। एलसीएच जैसा सूरमा के इंडक्शन समारोह के लिए आदिशक्ति महा दुर्गा की उपासना के पर्व नवरात्र से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से उपयुक्त कोई जगह शायद ही कोई हो सकती थी। साथियों, देश में जब जब वीरों के शौर्य और पराक्रम की चर्चा होती है और किसी राज्य का नाम स्वतः जुबान पर चला आता है तो वह राज्य और कोई नहीं बल्कि वह स्थान राजस्थान ही होता है। महाकवि कालिदास की प्रशंसा में आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठति कालिदासः, यानी कवियों की गणना में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है। और आप लोग जानते हैं कि हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली का नाम ही कनिष्ठिका होता है। पुराने समय में जब किसी को गिनती करनी होती थी तो ये इसी उंगली से ही अपनी गिनती प्रारंभ करते थे। क्योंकि कवियों का नाम शुरू करते ही सबसे पहले कालिदास का नाम आ गया तो कहा गया कि कवियों की गिनती में कालिदास मानो कनिष्ठिका पर विराजते हैं, यानी सर्वप्रथम नाम उनका ही आता है। पर उनके जैसे किसी दूसरे कवि के बारे में सोचा जाने लगा तो उनके समक्ष दूसरा कवि दूर दूर तक नहीं मिला। अब अगली उंगली का नाम क्या रखा जाए तो हुआ कि अगली उंगली को अनाम ही रहने दिया जाए और इस तरह कनिष्ठिका की अगली वाली उंगली को अनामिका कहा जाने लगा। रिंग फिंगर को संस्कृत और हिंदी में अनामिका ही कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब देश के महान वीर योद्धाओं और पराक्रमी व्यक्तित्वों की बात होने लगती है तो राजस्थान का नाम कनिष्ठिका पर ही आता है। यहां का शायद ही कोई कोना हो जिसने हमारे देश को वीर योद्धा न दिए हों। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर 1971 में लोंगोवाल में लड़े हमारे बहादुर जवानों के ऐसे अनगणित किस्से हैं जब हमारे वीर योद्धाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष किया और अंतिम सांस तक दुश्मनों से अपने देश की रक्षा की। राजस्थान में भी जोधपुर सोने पर जैसे सुहागा, राव जोधाजी राठौर से लेकर वीर दुर्गादास राठौर और ऐसे ही अनेक वीरों की भूमि रही है। उसी विख्यात विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि, ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी महाराजा गज सिंह जी आज यहां हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूं, आपका नाम अपने आप में इतना ही कुछ कह देता है। गज और सिंह दोनों है आपके नाम में। आप हमारी ज्ञान परंपरा में गज को ज्ञान और गंभीर का प्रतीक माना गया है और सिंह को सामर्थ्य का प्रतीक माना गया है। और जितना मैं आपको जानता हूं, आप इन दोनों के समन्वय हैं और अपने नाम को आप पूरी तरह चरितार्थ करते हैं।
आप जैसे व्यक्तित्वों के कारण राठौड़ की ख्याति इतनी दूर दूर तक पहुंची जहां खुद राठौड़ भी नहीं पहुंच सके। राजस्थान की यह वीर प्रसूता धरती आज एलसीएच के इंडक्शन की साक्षी बन रही है, तो यह एलसीएच इंडियन एयरफोर्स समेत स्वस्थ राष्ट्र के लिए बड़ा एक गर्व का विषय है। साथियों, आजादी से लेकर अब तक भारत की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में इंडियन एयरफोर्स की बेहद शानदार भूमिका रही है। इंटरनल थ्रेट्स हो या एक्सटर्नल, वार हो या पीस, इंडियन एयरफोर्स ने सदैव अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान की है। राष्ट्र को जब जरूरत पड़ी है, हमारी एयरफोर्स अपने करेज, कैपेबिलिटी और वर्सिटिलिटी के साथ राष्ट्र की अपेक्षाओं पर हमेशा यह खरी उतरी है। इस मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की भूमिका और अधिक प्रभावी रूप से हमारे सामने होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, एक लंबे समय से इंडियन एयरफोर्स ने न केवल राष्ट्र की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी पूरा इंडियन एयरफोर्स ने सपोर्ट किया है। वह चाहे मारुत हो, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट हो, आकाश मिसाइल प्रणाली हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर आज शामिल होने वाला हमारा एलसीएच हो, ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जो इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट के प्रति इंडियन एयरफोर्स के भरोसे और सपोर्ट को यह दिखाते हैं। आज एलसीएच का इंडक्शन इस बात का प्रतीक है कि देश जितना भरोसा इंडियन एयरफोर्स पर करता है, इंडियन एयरफोर्स भी उतना ही भरोसा स्वदेशी ताजो सामान पर करती है। साथियों, अटैक हेलीकॉप्टर की जहां तक बात है, आजादी के बाद लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडियन एयरफोर्स को फॉरेन ओरिजिन अटैक हेलीकॉप्टर पर ही निर्भर होना पड़ा। अपने तो अपने यूएन पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से दूसरे देशों में भी कीर्तिमान स्थापित करने वाली हमारी वायुसेना को विदेशी अटैक हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। साथियों, देश में लंबे समय से स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, पर 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इसकी जरूरत को गंभीरतापूर्वक अनुभव किया गया। तब से लेकर अब तक की यानी दो दशकों की देश की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रतिफल है एलसीएच, और इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हमारे डिफेंस प्रोडक्शन की राह में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। साथियों, एलसीएच केवल रोटर्स, इंजन और ब्लेड्स के बल पर ही नहीं उड़ रहा, बल्कि मैं समझता हूं यह देश के अनेक साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैसेनिस्ट और अन्य कर्मियों की तपस्या, धैर्य, समर्पण और देश प्रेम के बल पर उड़ रहा है। हमारी परंपरा में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के प्रति भावनात्मक लगाव को भी बड़ा स्थान दिया गया है। दृश्य वस्तुओं के प्रति हमारी अदृश्य भावनाओं की शक्ति को भी इस देश ने जाना है और समझा है। भारत में वेपन्स, इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स को भी आध्यात्मिकता के नजरिए से देखा गया है। परसों यानी विजयदशमी के दिन होने वाली शस्त्र पूजा के पीछे यही कारण विद्यमान है। एलसीएच के डेवलपर्स में भी मैं तप, त्याग, समर्पण और राष्ट्र के प्रति निष्ठा देखता हूं। जहां ये सब गुण होते हैं, विजयश्री का आशीर्वाद भी वही होता है। इस संदर्भ में मुझे विजयदशमी से जुड़ी रामायण की एक घटना का स्मरण होता है, जिसका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। साथियों, राम रावण युद्ध का अंतिम दौर चल रहा था। उच्च कोट के रथ पर सवार अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे रावण को देखकर विभीषण को बड़ी ग्लानि हुई, बहुत चिंता हुई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, यानी विभीषण बड़े चिंतित हुए, क्योंकि राम के पास न ही उच्च कोट का कोई रथ था और न ही किसी प्रकार का कोई कवच। विभीषण के मन में सवाल उठता है कि राम इस तरह युद्ध में रावण का सामना कैसे कर सकेंगे।
वे युद्ध कैसे जीत पाएंगे, इसी चिंता के साथ वह राम के पास जाते हैं। राम तो राम है, उन्होंने विभीषण की स्थिति समझते हुए मुस्कुराते हुए उनसे कहा, रावण के पास भले ही विशाल रथ और अस्त्र शस्त्र हैं पर वे विजय वाले नहीं हैं, केवल भौतिक संसाधन ही किसी की विजय सुनिश्चित नहीं करते हैं, उसके लिए कुछ और चाहिए होता है जो हमारे पास है और इसलिए निश्चित ही जीत हम सबकी होगी। अब वह और कुछ राम के पास क्या था जिन पर राम को इतना भरोसा था, गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाइयों में उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। राम कहते हैं, सौ रज धीरज ते ही रथ शाखा, बल विवेक दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दम परहित घोड़े, क्षमा दया कृपा रज तोड़े, ईश भजन सारथि सुजाना, संयम नियम शील मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम कोई उपाय न दूजा, महा अजय संसार रिप जीत कहीं तो वीर, जाके अस बल हो ही दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। यानी हमारे पास जो रथ है शौर्य और धौर्य, शौर्य और धैर्य उस विजय रथ के पहिए हैं, विवेक और दृढ़ता की उसमें ध्वजा पताका लगी हुई है, सत्यशील आत्मनिग्रह और परहित ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा दया और कृपा रूपी रस्सियों से संचालित हैं, ईश्वर का ध्यान उस रथ का सारथी है, संयम नियम शील आदि सहायक हैं, विद्वानों और गुरुओं की कृपा ही हमारा अभेद्य या कवच है। और जिस वीर के पास इतना सब कुछ उपलब्ध है उसे संसार का कोई भी योद्धा भला पराजित कैसे कर सकता है, और उसके बाद आगे क्या हुआ यह बताने की आप सबको आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज जब हमारे देश के अनेक साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, इंजीनियर्स, मैसनिस्ट और अन्य कर्मियों के धैर्य, शौर्य, तपस्या और समर्पण से निर्मित यह विजय रथ हमारी वायु सेना में शामिल हो रहा है तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि यह किसी भी परिस्थिति में विजय हासिल न कर सके। भारतीय आसमान में अब यह विजय रथ जोश, उत्साह और विजय का रंग बिखेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथियों, मुझे बताया गया है कि एलसीएच का डिजाइन और डेवलपमेंट मॉडर्न बैटलफील्ड की जरूरतों के अनुरूप किया गया है। अपने डेवलपमेंटल स्टेजेज में अनेक प्रकार की टेस्टिंग में इसने तमाम चुनौतियों से निपटने में अपनी योग्यता दिखाई है। एलसीएच दुश्मनों को चकमा देते हुए विभिन्न प्रकार के एम्युनिशंस को कैरी करने और शीघ्रता से यथा स्थान पहुंचने में सक्षम है। यह वर्सटाइल हेलीकॉप्टर विभिन्न टेरेन में हमारी आर्म्ड फोर्सेज की जरूरतों पर पूरी तरह यह खरा उतरता है। ऐसे में एलसीएच हमारी आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। साथियों, मानवता के विकास के क्रम में मानव ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसमें हैवी मटेरियल से लाइट मटेरियल की ओर आगे बढ़ना भी एक शानदार उपलब्धि रही है। वह चाहे फूड ग्रेन के संदर्भ में हो, पहनने के लिए कपड़े के संदर्भ में हो, स्पेस संबंधित एक्टिविटीज के संदर्भ में हो, या फिर डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में हो। किसी समय खासकर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले सावा, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि मोटे अनाज बहुतायत में खाए जाते थे क्योंकि गेहूं चावल जैसे अनाज उतने उपलब्ध नहीं थे, पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद लोग इन अनाजों की तरफ अधिक उन्मुख हुए हैं। कपड़ों के मामले में भी टेक्नोलॉजी के अभाव में लोगों को मोटा कपड़ा पहनना पड़ता था, पर समय के साथ साथ हल्के और पतले कपड़े आते गए और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का यह हिस्सा बनते चले गए। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी सेना ने भी नई यूनिफॉर्म एडॉप्ट की है जो पहले की अपेक्षा हल्की है और आरामदेह भी है। सेनाओं में इस्तेमाल होने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट भी जो पहले काफी भारी होते थे अब उसकी गुणवत्ता के साथ साथ लाइट वेट में आने लगी हैं। इसी तरह लाइट मेटल की खोज के बाद दुनिया में अनेक स्पेसशिप प्रोग्राम भी यह शुरू किए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं जो कपड़े और जो पहले बड़े वजनी हुआ करते थे पर समय के साथ छोटे
और स्मार्ट होते चले गए। जाहिर है डिफेंस सेक्टर में भी यह प्रक्रिया चालू है। साथियों, पूर्व में सेनाओं ने हाथी जैसे बड़े जानवरों से अधिक एक्टिव घोड़ों की तरफ रुख किया, बड़ी और भारी तोपों से मशीन गन की तरफ रुख किया, हैवी टैंक से लाइट टैंक्स की ओर रुख किया, जो हाई अल्टीट्यूड और माउंटेन फ्रंटियर पर अपेक्षाकृत अधिक कारगर होते हैं। हालिया यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट हो या इसके पहले की अनेक कॉन्फ्लिक्ट्सों हमें लेसन्स देते हैं कि हैवी वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म जो बैटल फील्ड में त्वरित गति से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी भी कम होती है और कई बार वे दुश्मनों के लिए इजी टारगेट हो जाते हैं। इसलिए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में हैवी मशीन्स के इस्तेमाल पर एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिला है। ऐसे में उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म्स के डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना यह समय की मांग थी, जो मोबाइल हो, जिनके मूवमेंट में आसानी हो, अधिक फ्लेक्सिबल हो और इन सब के साथ साथ लिथैलिटी और अन्य कैपेबिलिटीज की जरूरतों पर भी वो पूरी तरह से खड़े उतरते हों। इस संदर्भ में मैं हमारे एचएल के इंजीनियर्स की मैं सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने एलसीएच में इन सब खासियतों का एक अभूतपूर्व संतुलन स्थापित किया है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट वर्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं इसका काम बहुत ही हैवी है। साथियों, एलसीएच या किसी भी प्लेटफॉर्म की उड़ान को मैं केवल उस प्लेटफॉर्म की उड़ान नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी की अब तक की साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज की उड़ान के रूप में देखता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी खोज के पहले भी और बाद में भी मानव के लिए एक पहेली बनी रही थी। निश्चित ही यह प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए एक जरूरी फोर्स है, पर साथ ही साथ यह एक बंधन का भी प्रतीक है, जिससे मानव समेत सृष्टि के बाकी प्राणी कभी मुक्त नहीं हो सके। इस फोर्स से बंधे बंधे आकाश में पक्षियों के उड़ते देखकर ललचाना ही आदि मानव से लेकर 19वीं सेंचुरी तक मानव की नियति बनी रही। बचपन में हमने देखा है, कोई बच्चा 3-4 फीट की छलांग लगा देता था तो उसे सीधे हनुमान जी की पदवी से नवाजा जाता था। इससे लंबी छलांग लगाना आमतौर पर बड़ी मुश्किल बात मानी जाती थी, पर मानव ने अपने विजडम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज और इंजेन्यूटी से अभूतपूर्व छलांग लगाते हुए हमेशा से ही असंभव से लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। उड़ान को यदि ह्यूमन सिविलाइजेशन की अब तक की चरम उपलब्धियों में से कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव द्वारा अर्जित अब तक के ज्ञान विज्ञान की यह चरम उपलब्धि आज एलसीएच के रूप में हमारे सामने है। यह इंडियन एयरफोर्स और एशियल समेत पूरे राष्ट्र के लिए यह गौरव का विषय है। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाए रखने के क्रम में हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज बेस्ट इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म से सुसज्जित रहें। दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसा भी हो, पर नेशनल सिक्योरिटी को 24/7 चौकस रखना यह हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पिछले कुछ वर्ष की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन और प्रिपेयर्डनेस में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पर विशेष आग्रह रहता है, यानी न केवल युद्ध कौशल में बढ़ोतरी के लिहाज से, बल्कि युद्ध के सामानों और उपकरणों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिहाज से भी सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में हमें हमारी सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज से बड़े पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहे हैं। हमारे एमएसएमई, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और अकेडमियां मिलकर डिफेंस प्रोडक्शन की नई राहें तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा उठाए गए अभूतपूर्व कदमों का रेस्पॉन्स भी अभूतपूर्व होगा। साथियों, मैं इस मंच से सभी देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि राष्ट्र की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।